lecture we have talked about psychological factors and its psychodynamic model given by Sigmund Freud. Today we will take another model, that is behavioral model. This model states that both normal and abnormal behaviors are learned and psychological disorders are the result of learning maladaptive ways of behaving. This behavioral model includes focus on maladaptive ways of learning, classical conditioning, operant conditioning, and social learning. Behavioral model is interconnected with learning chapter that you have studied in 11th class. We have learned Pavlov, Skinner's, and Albert Bandura's theories of learning. वह इन सब ने हमें बताया कि behavior किस पर depend करता है, learning पर. जैसा भी हम लर्न करते हैं या करवा सकते हैं, वी कैन मोडिफाई द बिहेवियर इन दैट वे. सो फोकस कहाँ पर है? फोकस ऑन माल अडेप्टिव वेज ऑफ लर्निंग. इफ़ समवन हैज साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, इट मीन्स दैट हिज लर्निंग इज माल अडेप्टिव. माल अडेप्टिव मीन्स नॉट एडजस्टिंग एडिकेटली और एप्रोप्रिएटली टू द एनवायरमेंट और सिचुएशन. हियर वी हैव थ्री मॉडल्स. फर्स्ट इज क्लासिकल conditioning. It is a form of learning whereby a conditioned stimulus CS becomes associated with an unconditioned stimulus in order to produce a behavioral response known as a conditioned response. पेवलोव ने डॉग के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था क्लासिकल कंडीशनिंग को प्रूव करने के लिए. उन्होंने ये प्रूव किया था कि जब हम किसी पर्सन या एनिमल को कोई स्टिमुलस शो करते हैं, देन वी गेट अ नेचुरल रिस्पॉन्स. बट अगर हम नेचुरल स्टिमुलस के साथ एक और कंडीशन स्टिमुलस जोड़ दें, जैसे डॉग वाले एक्सपेरिमेंट में उन्होंने डॉग के खाने के साथ एक बैल की आवाज़ को जोड़ दिया. अब फूड को देखकर सलाइवा आना तो नेचुरल है, बट सलाइवा सेक्रेशन बैल की आवाज़ पर भी अगर होने लगता है, देन वी कैन से डेट डॉग कंडीशन बैल विद द फूड. यहाँ पर पेवलोव ने बताया कि पहले कोई कॉज होता है, फिर उसका इफेक्ट बिहेवियर पर पड़ता है. ही प्रूव्ड दैट लर्निंग कैन टेक प्लेस बाय क्लासिकल कंडीशनिंग इन विच टू इवेंट्स रिपीटेडली अकर क्लोज टूगेदर इन टाइम. द सेकेंड इज ऑपरेंट कंडीशनिंग. इन ऑपरेंट कंडीशनिंग बिहेवियर इज फॉलोड बाई अ रिवॉर्ड. Here, Skinner worked on operant learning. He used reward and punishment in learning process. Means reinforcement. Like अगर किसी बच्चे में किसी particular behavior को आप बढ़ावा देना चाहते हैं, तो आपको वहाँ उसे positive reinforcement देना चाहिए. It may be in form of appreciation, prize, or anything. But if we want to stop any behavior, then we have to use negative reinforcement like punishment. So Pavlov का ये मानना था कि repeated behavior करने के लिए reward देना चाहिए, और किसी behavior को अगर या repeat ना करवाना हो तो वहाँ punishment देना चाहिए. The last is social learning. Social learning, it means learning by imitating. Here Albert Bandura experiment on Bobo doll. He studied children's behavior after they watched a human adult model act aggressively towards a Bobo doll. यहाँ पर टू ग्रुप्स में ये एक्सपेरिमेंट किया गया. एक ग्रुप के बच्चों को दिखाया गया कि डॉल को एक पर्सन मार रहा है, पीट रहा है, और उसके बाद दैट पर्सन गेट्स रिवॉर्ड. बट सेकंड ग्रुप के बच्चों को दिखाया गया कि जिस पर्सन ने उस बोबो डॉल पर एग्रेशन शो किया, उसको पनिशमेंट दिया गया. उसके बाद सभी बच्चों को बोबो डॉल दी गई. बट जिन बच्चों ने देखा कि एग्रेसिव बिहेवियर के बाद रिवॉर्ड मिल रहा है, उन्होंने डॉल को मारना स्टार्ट कर दिया. बट जिस ग्रुप ने देखा कि एग्रेशन के बाद पनिशमेंट मिला था, दे डिडंट शो एग्रेशन टुवर्ड्स बोबो डॉल. सो बंदूरा यहाँ ये प्रूव करते हैं कि लर्निंग होती है इमिटेशन से, स्पेशली अगर उस बिहेवियर के लिए रिवॉर्ड दिया जाता हो. द नेक्स्ट मॉडल इज कॉग्निटिव मॉडल. दिस मॉडल स्टेट्स दैट एबनॉर्मल फंक्शनिंग कैन रिजल्ट फ्रॉम कॉग्निटिव प्रॉब्लम्स. And it focuses on irrational thoughts and incorrect perception. The cognitive model of abnormality sees
psychological issues as a problem with the thought processes of the patients. The cognitive model describes how people's perception of or spontaneous thoughts about situation influence their emotional behavior reactions. This distorted beliefs influence their processing of information and give rise to their distorted thoughts. This model states that abnormalities in behavior come from abnormal thinking processes. There are two things the cognitive model says can cause abnormality: incorrect perception of reality and thinking, and incorrect processing of information. We can understand, students, this cognitive model by an example. A patient suffering from a depressed mood after failing a driving test may be having illogically negative thoughts that generalize to all are as of their life. Basically, they may believe they are now a total failure and will never be successful. This irrational and polarized thoughts would result in the psychological disorder. The cognitive model is quite similar to the behavioral model, but with the main difference that instead of teaching the patient to behave differently, it teaches the patient to think differently. It is hoped that if the patient's feelings and emotions towards something are influenced to change, it will induce external behavioral change. Next model is humanistic existential model. It focuses on broader aspects of human existence. Inherently good and self-motivated free will give meaning to life or avoid responsibilities. ये मॉडल ह्यूमन के एग्जिस्टेंस पर फोकस करता है कि किसी भी पर्सन के एग्जिस्टेंस क्यों है, उसका पर्पस ऑफ लाइफ क्या है. ये मॉडल कहता है दैट एवरी पर्सन शुड हैव एम ऑफ लाइफ. ऐसा नहीं है कि बिना किसी पर्पस के आप लाइफ स्पेंड कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कि आपको करना क्या है. ये मॉडल इस बात पर फोकस करता है कि आप लाइफ में जो भी एक्शन करते हैं वो मीनिंगफुल या पर्पसफुल होना चाहिए. इस पर ये कह रहे हैं कि इनहेरेंटली गुड होते हैं, मीन जितने भी ह्यूमन बीइंग्स हैं जनरली एक गुड वाला फैक्टर सबके अंदर होता है और वो बहुत सेल्फ मोटिवेटेड होते हैं टू अचीव देयर पर्पस ऑफ लाइफ. यू हैव स्टडीड इन 11th क्लास मैस्लोस हायरार्की, जिसमें उन्होंने बताया था देयर आर 5 टाइप्स ऑफ नीड्स इन अ ह्यूमन्स लाइफ एंड वो वन बाय वन उन नीड्स को अचीव करने की कोशिश करता है. एट लास्ट वो पहुंचता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड पर और यहाँ पहुंचकर वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ कि अब मैंने वो अचीव कर लिया जो मुझे लाइफ में अचीव करना था. सो इनहेरेंटली ये गुड सबके अंदर होता है, सब बहुत मोटिवेटेड होते हैं एंड एवरी पर्सन हैज फ्री विल और फ्रीडम. मीन सभी को अपना पर्पस ऑफ लाइफ सेट करने की फ्री विल और फ्रीडम होती है कि उनका नेक्स्ट स्टेप या एक्शन उनके गोल को खराब करने के लिए होगा या फिर अचीव करने के लिए होगा. बट कुछ लोग पर्पस ऑफ लाइफ सेट ही नहीं करते या फाइनलाइज ही नहीं करते. उनको ये भी नहीं पता होता कि उनके एक्शन से उनकी लाइफ आगे जा रही है या फिर स्पॉइल हो रही है. देन स्टार्ट होते हैं इम्बैलेंसेस और जो जनरेट करते हैं साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को. फॉर एग्जाम्पल, आप एक जर्नी पर निकल जाएं बट आपको डेस्टिनेशन का पता ही ना हो तो क्या होगा? आप इधर घूमेंगे उधर घूमेंगे, टाइम वेस्ट करेंगे, फ्यूल वेस्ट करेंगे और फिर फ्रस्ट्रेटेड होकर वापस लौट आ जाएंगे. अब गिव मीनिंग टू लाइफ और अवॉइड योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपनी लाइफ को मीनिंगफुल वे में स्पेंड करें या बस यूं ही टाइम पास करें. It depends on our free will to take our responsibilities positively. या फिर हम अपनी responsibilities को avoid करके अपने mind को खाली छोड़ दें जिससे उसमें irrational thoughts आ जाएं जिसकी वजह से disorders हों. So ये हमारे ऊपर है कि हम क्या choose करते हैं, responsibilities को पूरा करना या फिर avoid करना. क्योंकि problem ही ऐसे लोगों के साथ होती है जो अपनी life को meaningful या purposeful नहीं बनाते. फिर धीरे धीरे जब वो अपने आसपास के लोगों को well settled देखते हैं
तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं एंड इन द एंड दे बिकम प्रॉब्लमेटिक पर्सनैलिटी. सो दिस ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल मॉडल सेज दैट इट इज नेसेसरी फॉर अ पर्सन टू सेट हिज पर्पस ऑफ लाइफ. नाउ द नेक्स्ट मॉडल इज सोशियो कल्चरल मॉडल. अ सोशियो कल्चरल मॉडल ऑफ नॉर्मैलिटी emphasizes the social and cultural context, going so far as to suggest that abnormality is a direct function of society's criteria and definitions for appropriate behavior. In this model, abnormality is social, not medical or psychological. जैसा कि इस मॉडल के नाम से ही पता चल रहा है कि ये मॉडल सोसाइटी के ऊपर फोकस करता है. ये मॉडल कहता है कि ह्यूमन बीइंग अपने अंदर की चीज़ों की वजह से ही नहीं बल्कि अपने आसपास के सोशल इन्वायरमेंट से भी प्रभावित होता है. इनका ये मानना है कि जो भी डिसऑर्डर्स होते हैं सोसाइटी की प्रॉब्लम्स की वजह से होते हैं, लाइक सोशल प्रॉब्लम्स एज वॉर. अगर किसी पर्सन ने अपनी लाइफ में वॉर को देखा है, अपने रिलेटिव्स को वॉर में खोया है, तो उनके माइंड में एक ट्रॉमा आ जाता है जिसकी वजह से उनकी लाइफ में आगे जाके प्रॉब्लम्स आती हैं. कभी कभी पर्सन बहुत ज़्यादा वॉयलेंस देख लेता है सोसाइटी में, इससे उसके माइंड पर बहुत निगेटिव इफेक्ट पड़ता है. देर आर सो मैनी सोशल प्रॉब्लम्स लाइक एम्प्लॉयमेंट इशूज, डिस्क्रिमिनेशन एक्सेट्रा. अगर कोई पर्सन अनएम्प्लॉयड है तो वो भी धीरे धीरे स्ट्रेस का शिकार बन जाता है और खुद को आइसोलेट कर लेता है. कई बार सोसाइटी में कास्ट को लेकर, जेंडर को लेकर भी डिस्क्रिमिनेशन होते हैं जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को इंक्रीज करते हैं. द नेक्स्ट पॉइंट ऑफ दिस मॉडल इज बिहेवियर इज शेप्ड बाय सोशल फोर्सेस एज फैमिली, सोशल नेटवर्क, सोशल रोल्स. इट मीन्स किसी भी पर्सन के बिहेवियर को डिसाइड करने में सोशल प्रेशर्स का इम्पॉर्टेंट रोल होता है. कई बार ये प्रेशर्स बहुत बढ़ जाते हैं तो ऐसे पर्सन जो स्ट्रॉन्ग विल पावर रखते हैं वो ऐसी सिचुएशंस में इफ़ेक्टिवली डील कर जाते हैं, जबकि जिनकी विल पावर स्ट्रॉन्ग नहीं होती वो लोग स्ट्रेसफुल हो जाते हैं. इफ़ समवन बिलोंग्स टू सच फैमिली whose structure is disbalanced, then it will generate problems in its members' behavior. कई families में बच्चों को अपनी बात रखने का अधिकार नहीं होता, वहाँ उनकी abilities, aptitude and interest पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया जाता, तो ऐसी families के बच्चों में भी disorders हो जाते हैं. Sometimes social network becomes the cause of psychological disorders. Today we see that everyone has 300 or more friends on FB on Insta, but in real life they are not aware of their neighbor. आजकल लोग घंटों घंटों फ़ोन पर, कंप्यूटर पर निकाल देते हैं और धीरे धीरे वो कब सबसे आइसोलेट हो जाते हैं उनको खुद पता नहीं चलता. अब हर पर्सन के कुछ सोशल रोल्स होते हैं जिनके अकॉर्डिंग उसको बिहेवियर करना होता है, तो अगर किसी रीज़न से उस रोल को आप पूरा नहीं कर पाते हैं तो भी ये साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को जनरेट करता है. Now the last model is diathesis stress model of abnormality. This model states that psychological disorders develop when a diathesis is set off by a stressful situation. The diathesis stress model of abnormality tries to explain how biology and environment work together on people's mind. According to this model, people are born with a certain biological or genetic predisposition to a mental illness. ये model ये कहता है अगर आपके अंदर पहले से ही अगर कोई problem है like stress, anxiety, then आपको psychological disorders होने start हो जाएंगे. कुछ लोग हम देखते हैं कि उनकी life में stress होता है पर वो उसे ईजिली डील कर लेते हैं क्योंकि लाइफ में हर चीज़ बैलेंस होती है. उनकी लाइफ में ये लोग अपनी फिटनेस पर ध्यान देते हैं, माइंड को रिलैक्स करते हैं. कई पर्सन हमने ऐसे देखे हैं जिनको जीन्स के थ्रू ही कोई प्रॉब्लम मिल जाती है, उनके पेरेंट्स के साथ कोई प्रॉब्लम होती है वही जीन्स के थ्रू उनमें ट्रांसफ़र हो जाती है. तो ऐसा बच्चा अगर बड़े होकर किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को फेस करता है तो उसमें वो डिसऑर्डर एकदम से आ जाएगा.
अब उसमें उस पर्सन की कोई गलती नहीं है क्योंकि उसको पेरेंट्स के थ्रू ये प्रॉब्लम मिली है। तो यहाँ डायथीसिस का मीनिंग यही है कि कमी पहले से ही प्रेजेंट है किसी पर्सन में और स्ट्रेसफुल सिचुएशन आने पर वो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर में चेंज हो जाती है। ऐसे लोग हाई रिस्क पर होते हैं क्योंकि ऐसे लोग जरा सी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन आने पर घिर जाते हैं और फिर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर सामने आने लगते हैं। इस तरह के लोगों में डिसऑर्डर वल्नरेबिलिटी होती है, मीन उनके अंदर जो छिपी हुई कमी है वो इन्वायरमेंट मिलने पर डिसऑर्डर के रूप में सामने आ जाती है। इन दिस मॉडल देयर इज अ टर्म दैट इज प्रेजेंस ऑफ पैथोजेनिक स्ट्रेसर्स। इट मीन्स कि हमारे अंदर पहले से ही कुछ जर्म्स होते हैं, कुछ इस तरह के स्ट्रेसर्स हमारे अंदर होते हैं जो पैथोजेनिक होते हैं। जैसे ही हम स्ट्रेसफुल सिचुएशन में आते हैं तो हमें सडनली कोई डिसऑर्डर या मेडिकल प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ डायथीसिस स्ट्रेस मॉडल कह रहा है कि डायथीसिस मीन पहले से ही कोई कमी जो हमारे अंदर छुपी रहती है, स्ट्रेस होने पर किसी न किसी तरह के डिसऑर्डर के रूप में हमारे सामने आ जाती है। नाउ आई विल एक्सप्लेन बायोफीडबैक एंड क्रिएटिव विजुअलाइजेशन टेक्निक ऑफ स्ट्रेस मैनेजमेंट बिकॉज सम स्टूडेंट्स आर गेटिंग प्रॉब्लम इन दीज टू टेक्निक्स। So first we will take biofeedback. What is biofeedback? It is a procedure to monitor and reduce the physiological aspects of stress by providing feedback about current physiological activity and is often accompanied by relaxation training. बायोफीडबैक में हम लोग माइंड में कुछ इलेक्ट्रोड्स लगाते हैं और वो सारी एक मशीन में लगी होती हैं और जैसे ही किसी को स्ट्रेस होता है तो उसकी हार्ट रेट्स इंक्रीज होती हैं या बॉडी में जो चेंजेस होते हैं उन्हें दिखाया जाता है। इसमें सब्जेक्ट को कोई स्ट्रेसफुल सिचुएशन देते हैं और उसे दिखाते हैं कि जब आपको स्ट्रेस होता है तो आपकी हार्ट रेट कितनी ज़्यादा बढ़ जाती है जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। इन दिस टेक्निक देयर आर 3 stages। फर्स्ट डेवलपिंग एन अवेयरनेस ऑफ द पर्टिकुलर फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स लाइक हार्ट रेट। द सेकेंड लर्निंग वेज ऑफ कंट्रोलिंग दैट फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स इन क्वाइट कंडीशन। द थर्ड इज ट्रांसफरिंग दैट कंट्रोल इन टू द कंडीशन ऑफ एवरीडे लाइफ। द सेकेंड टेक्निक इज क्रिएटिव विजुअलाइजेशन। इट इज एन इफेक्टिव टेक्निक फॉर डीलिंग विद स्ट्रेस। क्रिएटिव विजुअलाइजेशन इज अ सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस दैट यूजेस इमेजरी एंड इमेजिनेशन। इन दिस टेक्निक वी यूज इमेजरी और इमेजिनेशन, मीन आप अपने को इमेजिन करते हुए बहुत अच्छी कंडीशन में, जब भी आप परेशान हो, किसी से आपका झगड़ा हो गया हो, तब आप उस पर्सन के बारे में सोचना छोड़कर किसी ऐसी चीज़ के बारे में सोचना स्टार्ट कर देते हैं जिससे आपको रिलैक्स फील हो। इससे क्या होता है, आपका बॉडी का फोकस स्ट्रेस से हटकर एक प्लेजर सिचुएशन में चला जाता है और आपकी बॉडी के फंक्शंस ग्रेजुअली नॉर्मल हो जाते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई हो रहे थे। बिफोर विजुअलाइजेशन वन मस्ट सेट ऑन सेल्फ अ रियलिस्टिक गोल एज इट हेल्प्स बिल्ड कॉन्फिडेंस। इट इज ईजियर टू विजुअलाइज इफ वंस माइंड इज क्वाइट, बॉडी रिलैक्स्ड एंड आईज आर क्लोज्ड। दिस रिड्यूसेस द रिस्क ऑफ इंटरफियरेंस फ्रॉम अनबिडन थॉट्स एंड प्रोवाइड्स द क्रिएटिव एनर्जी needed for turning on imagined scene into reality।